बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। इतनी वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने फिर से हाजिर है। आज की वीडियो में एक टाई पेयर का मैं शो करवाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे एक भाई की तरफ से हमें तोहफा मिला था और मैं आप भाइयों के साथ शेयर करना पसंद करूँगा। तो पट्टे की तरफ आते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत पट्टा है, अच्छे चेहरे में है। टाई जिस चेहरों में होते हैं उस चेहरे के हवाले से एक खूबसूरत चेहरा है। आँख की क्वालिटी माशाल्लाह बेहतरीन आँख है और आँख में बिल्कुल काली धारियाँ गई हुई है। ताज वगैरह बादामी ताज में है। सर इसका चिपटा सा सर है, पर ओवरऑल माशाल्लाह क्वालिटी के लिहाज से जानवर बुरा नहीं, अच्छा जानवर है। नली आप देख सकते हैं, ये बाद में चौरस बनाएगा। छोटा पट्टा है, तकरीबन 6 महीने का पट्टा है और उंगलियां आप देख सकते हैं, लंबी लंबी उंगलियां हैं लंबे नाखूनों में। जानवर खूबसूरत जानवर है। स्टांस वगैरह अगर आप देख ले, खूबसूरत स्टांस में। साथ में इसके साथ एक पट्टी भी है जो कि इसकी बहन है, उसका भी मैं शो करवाऊँगा। खूब मस्ती में है जानवर माशाल्लाह, अच्छा बनेगा। उम्मीद है कि बाकी बड़ा होके एक अच्छा पड़ेगा। मैं वैसे इनका तो शौक नहीं करता, पर रखूँगा ये पेयर। शौक के लिए एक पेयर होना चाहिए ऐसा, तो इंशाल्लाह बाकी फिर बाद में जाके मैं इनसे ब्रीड करूँगा। फिलहाल नर को तो मैंने मुकम्मल कुंडे पे बंद किया हुआ है, जबकि पट्टी को मैंने खुला छोड़ दिया। मैंने कहा अगर अंडे वगैरह देती है पाकिस्तानी मेल्स के साथ तो कोई इतराज़ नहीं है मुझे, उस पर ब्रीड मिक्स होती रहेगी और देखेंगे कि आगे जाके क्या चीज़ मिलती है हमें। बाकी पट्टी का चेहरा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे में पट्टी। नोका इसका इतना मज़बूत नहीं है जो कि नॉर्मली आप हमारे पाकिस्तानी जानवरों में देखते हैं, खूबसूरत नोकों में होते हैं। पर एनीवे खूबसूरत जानवर है। आँख की क्वालिटी बहुत ही मियारी है। पट्टे के नस्बत पट्टी की आँख माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। काले पलकों में है, उमूमन मेरे जानवर भी काले पलकों में होते हैं। चेहरा अगर आप देख ले, चेहरे में भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ इसका क्या रिज़ल्ट बनता है। कलर में सलेटी सी बनी है और नली अगर आप देख ले, खूबसूरत नली है। ये भी हल्की चौरस नली बनेगी, लंबी उंगलियों में लंबे नाखूनों में। लंबी उंगलियां या लंबे नाखून अक्सर औकात ऐसे जानवर थोड़े से तेज़ होते हैं मैदान के हवाले से, बाकी कोई ख़ास खूबी नहीं होती। इनका थोड़ा सा बैलेंस लेवल भी बराबर होता है, तो ये अल्फाज मैं इस वजह से यूज़ करता हूँ। बाकी ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप भाइयों को अच्छा से अच्छा शौक करवा सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जाके चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। वो सलाम।